नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और यदि आपको पत्रकारिता चाहिए, चाटुकारिता नहीं चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का लाल बटन दबाइए और घंटी का बेल ऑन कीजिए। नमस्ते दोस्तों। जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और मैं अब कुछ ऐसी खबरें लेके आ रहा हूँ, जी हाँ, कुछ यूट्यूब से, हमारी टाइमलाइन से। जी हाँ, जैसे अगर बम्बई पाड़ा का जो एक्सीडेंट दिखाया था, वो गायब कर दिया गया है। कैसे गायब हुआ पता नहीं। खैर, चलिए थोड़ी आगे की बात करते हैं। इधर खबर आ रही है नागपुर से। जी हाँ, जहां से आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां से एक ट्वीट आता है कि अब देवेंद्र फडणवीस जी ज्यादा दिन तक विपक्ष के नेता नहीं रहेंगे। और इसका अर्थ कुछ और भी लगाया जा सकता है। जी हाँ, दूसरी तरफ खबर ये थी कि चीफ मिनिस्टर, जी हाँ, मुख्यमंत्री साहब उद्धव ठाकरे जी पहुंचे दिल्ली कल और उन्होंने मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से। उसके बाद उनके साथ करीब करीब उन्होंने एक घंटा दो घंटा बिताया और उन्होंने बातें की कि वो एनआरसी और सीएबी और ये सब चीज के सीए और जो आपका एनआरपी है उसके लिए वो रेडी हो गए महाराष्ट्र में लागू करने के लिए। लेकिन उसके बाद उनकी जो मुलाकात हुई सोनिया गांधी जी से, तो लगता है उन्हें ऐसी फटकार मिली कि वहां से फिर उनका ट्वीट आता है मोदी जी को कि और वो बात करते हैं कि इसमें कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो अदला बदली करनी है, तो ये मैटर को थोड़ा पेंडिंग में रखा है, इसमें हम जांच करेंगे और फलाना फलाना। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी राजनीति का खेल दिखता है। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी राज ठाकरे जी से भी थोड़े दबे हुए दिखते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो बाला साहब ठाकरे, जी हाँ, माननीय बाला साहब ठाकरे मैं कहूंगा, जिनकी की एक इमेज थी, उस इमेज के भी कहीं ना कहीं खतरा महसूस होता है। तो ये देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी से मिलने के बाद वो फिर जाके मिलते हैं सोनिया गांधी जी से और मैटर जो है सीएए और एनआरपी और इन सब चीजों के ऊपर जो है मैटर, वो पहले हाँ होती है, उसके बाद में ना, बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से ना होती है। तो ये आखिर हो क्या रहा है मामला, कहीं सरकार खतरे में तो नहीं है महाराष्ट्र सरकार? और हाँ, और एक और बात है, महाराष्ट्र सरकार में आप बड़ी तेजी से बड़े स्तर पे तबादले होंगे। जी हाँ, यानी कि जो बड़े कैडर्स हैं, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स कैडर जिसको कहते हैं, यानी कि आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, उन कैडर्स पे अब तुरंत कार्रवाई होगी ऐसा समझ में आ रहा है, मालूम पड़ रहा है। यानी कि जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, जैसे कि आयुक्त हो गए, कमिश्नर हो गए, या जी हाँ, इन सब की पोस्टिंग या ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबर।